वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मिठा पार्टी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मिठा पार्टी, सुपरबली गुड मॉर्निंग मिठा पार्टी, आ जाओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी सीरीज ऑफ चैप्टर 4 लाइव है, कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई। तुम लोग को सुबह 2 घंटे पढ़ा के आ दिए कि मेरे से सारी दुश्मनी निकाल रहे हो तुम लोग है ना, वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं कराए, इतने आसान आसान से कराए थे, कुछ कराए भी नहीं आज हमने। ऐसे करोगे मुझसे ऐसे बदला लिया जाएगा, ये गलत बात है। आहा, आई एम लाइव, गुड मॉर्निंग। बस ऐसे तो अच्छा लगता है। ये लैग हो रहा है क्या? मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। थैंक यू चित्राक्षी। सो आज टॉप कौन किया था आज के टेस्ट में? और आज कितने महान बच्चे हो तुम लोग। हाँ, तुम्हारे पास YT सेशन पे आके वेट करने का टाइम है, कमेंट सेक्शन में नेहा, गीता, मीना, शीना सबसे बात करने का टाइम है और क्विज देने का टाइम नहीं है। आई वॉज टेकिंग, थोड़ा तो शर्म करो। आई वॉज टेकिंग क्विज विच स्टार्टेड एट 9 एंड हम यहाँ पे थोड़ा लेट हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे हैं लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहा है। डर नाम की चीज़ें नहीं है। थैंक यू अंशुमान। क्यों टेस्ट नहीं दिया? क्या परेशानी थी टेस्ट से? क्या दुश्मनी है बताओ। हाँ बेटा, टेस्ट किसने किसने दिया? अरे यार कितनी तारीफ करोगे यार, अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू, बट अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करो क्लास, मुझे तारीफ सुनना पसंद है, बट डोंट डू दिस, आई विल ब्लॉक यू। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये चैप्टर आपका हमने एक दिन में ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस चैप्टर। कोई है टॉप 10 में? मैम बायो से दुश्मनी है? ओ गॉड मुस्कान, ऐसा ना बोलो बेटा, मैं दिल तोड़ दोगे सुबह सुबह तुम तो। कभी आओ हवेली पे, फिर बात करना कि बायो से कितनी दुश्मनी है। यहाँ मैथ्स वाले बायो में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉमर्स वाले पूरे रेगुलर हैं और यहाँ बायो वालों को बायो से दुश्मनी है? ना 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 ना, हो ही नहीं सकता, यू आर एट रॉन्ग प्लेस। ठीक है, ट्रस्ट मी, जस्ट गिव मी जस्ट गो एंड वॉच एनी ऑफ माई लेक्चर, एक दो देखोगे बायो से प्यार हो जाएगा। ऐसे मजाक नहीं करो, ये लोग फिर समझेंगे तुम होशवास में नहीं हो। मैम बायो और आप दोनों से प्यार है, बस आनंद, थैंक यू। चलो शुरुआत करें। मैम सारे सही हुए क्वेश्चंस मेरे, लास्ट वाले में डोमिनेंट की जगह रिसेसिव पढ़ लिया, सॉरी। अच्छा चित्राक्षी, तुम लोग कितने झूठे आत्मा हो, अगर सारे क्वेश्चन सही हुए तो एक गलत कैसे हुआ? एक गलत हुआ तो सारे सही कैसे हुए? अकाउंट ऑनर से फिर भी क्लास कर रहे हो, बस यही मोटिवेशन चाहिए, ऐसे ही हमारे यहाँ डॉक्टर बनेंगे। मैंने कैन आई अटेंड दिस लेक्चर, आई एम नीट 2023 एस्पिरेंट्स, डेफिनेटली यू कैन, एनसीईआरटी सीरीज इज फॉर नीट एस्पिरेंट्स, उन्हीं के लिए कराई जा रही है। चलो ठीक है, तो YT प्रीमियम मस्त है, YT प्लस वाली फीलिंग आती है, नो एड्स नो डिस्टर्बेंस। अच्छा, मेरे को ऐसा कुछ है पता भी नहीं है, कूल। अच्छा हाँ है, आता है ना ऐड आता है, इतने पैसे हमने नहीं खर्चे करने इसलिए मैंने नहीं पता है। ओके सो अभी मुझे लगता है आ गए सारे के सारे, अभी आएंगे कुछ लोग। देखो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमने काफ़ी कुछ किया। व्हाट वी डिड वाज फ्रॉम चैप्टर थ्री में हमने बहुत सिंपली, यू नो दिस यूनिट हैव अ ग्रेट फ्लो एक्चुअली, विच आई लाइक अबाउट दिस यूनिट। आपने चैप्टर 3 में देखा था, यू गॉट लाइक कि हाँ प्रेगनेंसी कैसे होती है, बेबी का बर्थ कैसे होता है, आफ्टर बर्थ केयर कैसे की जाती है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी वालों ने तुम्हें सिखाया कि कहीं ये बच्चे ज़्यादा मोटिवेट ना हो जाएं, ब्लर नहीं है प्लीज़ अपनी वो ठीक करो। ठीक है, आप जो है और कुछ बच्चों को हमने तुरंत ही ब्लॉक करना है। देखो जब तक मैंने क्लास नहीं स्टार्ट किया एवरीथिंग इज़ फाइन, बट वंस आई स्टार्ट टीचिंग प्लीज़ उगली नहीं करने का। ठीक है, नहीं तो मेरे को एक मिनट नहीं लगेगा, नो मैटर आप तारीफ ही क्यों नहीं कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, अगर क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो ब्लॉक हो गए। ठीक है, सो प्लीज़ नहीं करो, शांति से देखो, शांति से रहो,
अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको नॉलेज मिलेगा, आप कॉमर्स के हो, मैथ्स के हो, अकाउंट्स के हो, डजेंट मैटर, यू विल एटलीस्ट लर्न समथिंग जो कि आपके आगे वाली जिंदगी में काम आएगा. और ये अच्छा चैप्टर है, मुझे लगता है एवरी वन शुड टेक दिस सेशंस. ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हमने क्या बात किया कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज क्या हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने क्या क्या बात की है, वी हैव टॉक्ड कि कैसे कोई इंसान हेल्दी होता है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी. पॉपुलर एक्सप्लोजन हमने क्या बोला था कि भाई 1947 के बाद क्या हुआ था, जब हमारी आज़ादी आई थी उसके बाद क्या हुआ था, अचानक से पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. ब्लर नहीं है, प्लीज़ अपना नेट का चेंज करो भाई, हमारे यहाँ से हम HD में लाइव कर रहे हैं, ठीक है. ब्लर अगर आप जाओ, क्या बोलते हैं उसको, ए भाई इन लोग को बताओ जो ब्लर ब्लर बोल रहे हैं, अरे अब तुम बिना ब्लॉक हुए मानोगे नहीं, चलो बाय. सुबह सुबह मतलब मेरे से तुम लोग पाप करवाओ, कर दिया ब्लॉक, चलो. मैम जेनेटिक्स से रिप्रो में आने में मज़ा नहीं आ रहा है, ओ वाओ आई एम लविंग दिस. सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अचानक से हुआ था, क्या क्या रीज़न हो, थोड़ा क्विक रिकैप कर लो क्योंकि ब्रेक ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से हम रिकैप दे रहे हैं. सो उसका रीज़न हमने आपको बताया था कि हमारी क्या हुई थी, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई थी. पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में अगर मान लो 8 बच्चे किसी फीमेल को हो रहे हैं तो 4 की तो डेथ ही हो जाती थी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी जिसे हम बोलते थे, बहुत हाई था, फिर अचानक से कम होने लगा. दूसरी लाइक तो करना नहीं, तुम लोग कर दो भाई, कर दो लाइक कर दो. और दूसरी चीज़ ने आपको बताया था कि पहले फीमेल वगैरह को इतना कम न्यूट्रिशन मिलता था कि अक्सर वो डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी या तो बच्चे की डेथ हो जाती थी. फिर जो पति होते थे वो दूसरी शादी कर लेते थे, बोलते थे चलो कोई समस्या की ज़्यादा बात है नहीं, ठीक है. तो लेकिन क्या हुआ कि थैंकफुली हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो आपकी इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से हमारा MMR IMR दोनों डिक्रीज़ हुआ था, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी दोनों डिक्रीज़ हुआ था, तो पॉपुलेशन हमारा अच्छा होने लगा. लेकिन अब क्या ये बुरी चीज़ है, पॉपुलेशन बहुत स्पीड में बढ़ने लगा, तो हमें समझ आ गया कि भाई अगर इस स्पीड से अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा फिर तो पता चलना है, अभी अभी के ज़माने में किसी को जॉब नहीं मिल रही है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है ना, कितनी मारामारी है. नीट में देख रहे हो इतने बच्चे दे रहे हैं, उसमें भी कितनी कम सीट है, JEE सारे दे रहे हैं, मतलब छोटे छोटे एग्जाम 1,000,000 लोग दे रहे हैं तो उसमें 10,000 सीट भी नहीं है. सो अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो आफ्टर पॉइंट तो हमने तो हेलो के बजाय एक दूसरे का मर्डर करना है. सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली गुड थिंग, ठीक है. अब देखो आपका क्या है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में अब कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या कंट्रोल करने का तरीका, ये थोड़ी ना हो सकता है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हुई है, लोग की मौत कम हो रही है तो अब चलो तुम उनको जमाल घोटा पिला के मार दो. नो, दिस इज़ नॉट द सिचुएशन. सो व्हाट विल डू इज बर्थ कंट्रोल, कि बर्थ कंट्रोल के मैथड है कि भाई तुम इंटरकोर्स भी करो, तुम्हारा क्वाइटस भी होता रहे और आपकी बर्थ प्रेगनेंसी भी ना हो, उसे बोलते बर्थ कंट्रोल. बर्थ कंट्रोल के लिए हमने क्या पढ़ा था, बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसको हमने कॉन्ट्रासेप्टिव बोला था, नॉट कंसीविंग कॉन्ट्रासेप्टिव. अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. प्रदीप ठाकुर बेटा नाना जी का घर नहीं समझो, पार्ट वन में पढ़ाए, जाके लेक्चर देखो, ठीक है. और इस स्पैमिंग यार, यू नो आई डोंट लाइक दिस, इज वाई आई डोंट लाइक दिस डे सेशंस. सो प्लीज वॉच, यहाँ पे डाउट सेशन नहीं चल रहा है, दिस इज वी हैव 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर एंड आई, अगर वो पढ़ाया जा चुका है दोबारा आई एम नॉट गोना रिपीट दैट, ठीक है. सो बर्थ कंट्रोल में हमने किया था कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्टिव कमेंट सेक्शन में लिखो भाई, तुम लोग कुछ लिख नहीं रहे हो. क्लास कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव हमने किए थे, कॉन्ट्रासेप्टिव हमने किए थे आपके बेटा आर्मी वाला जो भी है, जितने भी क्लास में बच्चे हो वो आपके हमारी स्टूडेंट हो या नहीं हो, देखो बेटा बस तुम कोई भी मैसेज बार बार टाइप नहीं करो, बिकॉज यहाँ पे हम इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम नॉट द टीचर की जो पढ़ाता चला जाएगा, कमेंट सेक्शन नहीं देखेगा, ठीक है. तो अगर आप बीच बीच में आप बहुत ज़्यादा मैसेज ड्रॉप करते हो तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, बाकी मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, पैसे लगने नहीं हैं. आप आराम से पढ़ो, ठीक है, आराम से सुनो, आराम से पढ़ो, पता चलेगा एबॉर्शन कैसे होते हैं, बच्चे का जन्म कैसे होता है, अगर मान लो कोई इनफर्टाइल कपल है तो उसे उसके बच्चे कैसे होंगे, ज्ञानी है सीखी लोगे, मेरा क्या जाता है, व्यूज ही आएंगे, मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है कि हम तुम लोग को ब्लॉक करते फिरेंगे. तो जिसके लिए भी करो, मज़े के लिए पढ़ो, बस तंग नहीं करो हमें, और बाकियों को पढ़ने दो. अदरवाइज तुम्हारे लिए ID से बना के ID स्विच करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और मुझे ब्लॉक करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है. शायद तुम्हारे ID से तुम्हें ID स्विच करने के लिए ब्लॉक हुए हो, फिर आओगे क्लिक करोगे लिंक ओपन करोगे तुम्हें शायद 1 मिनट लगेगा, मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगना है ब्लॉक करने में, और मुझे कोई परेशानी नहीं, मैंने मतलब आई हैव मेड द रिकॉर्ड ऑफ ब्लॉकिंग स्टूडेंट.
सो डोंट डू दिस प्रदीप. अच्छा सो हमने क्या किया था, हमने बर्थ कंट्रोल मेथड तक कर लिया था. बर्थ कंट्रोल मेथड में अगर आप ध्यान से देखो हमने क्या क्या किया था, ये वाला था तुम्हारा, यहाँ पे हमने किए थे क्या क्या किए थे, एक हमारा फिजिकल मेथड था जिसमें आपने कॉन्डम वगैरह पढ़ रखे थे, और उसके बाद कॉपर टी था, आईयूडीज वाला था, फिर हमारे इम्प्लांट्स और इंजेक्ट्स थे. उसके बाद हमने कहा था कि चलो कुछ लोग की ऐसी ज़िंदगी आ जाती है, ज़िंदगी पैसा मोड़ आ जाता है, उन्हें बोलते नहीं अभी इंटरेस्ट अपना नहीं है, एक दो बच्चे हो गए बहुत है, इनको संभालना मुश्किल हो रहा है, अब क्या करते हैं परमानेंट मैथड पर चले जाते हैं. ये तुम्हारा परमानेंट मैथड हो जाता है, ठीक है. अरे यार आज क्या खा के आए. परमानेंट मेथड में हमने क्या किया था, वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है. चलो ये सब तो हो गया, चलो खत्म हो गई. अब हम आ रहे थे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपका ये सवाल है, या ये हमारा आज का टॉपिक है. आज हम लोग पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, जिससे दोबारा मिलना एमटीपी हमारा बचा हुआ है, और एसटीआई बचा हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एंड देन वी हैव इनफर्टिलिटी. हो जाएगा तो आज पूरा ही कर देंगे. तीन ही टॉपिक है जिसमें से टाइम सिर्फ लगना है इनफर्टिलिटी वाले में, एआरटी में, बाकी ना तो हमें एसटीआई में टाइम लगना है, ना तो हमें एमटीपी में टाइम लगना है, क्योंकि दोनों में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट बेस्ड है, तो ऑफकोर्स आई एम नॉट गना टेक ब्लैंक स्लाइड. ओके सो दैट विल बी ईजी फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा वॉट इज एमटीपी? एमटीपी इतना भारी भरकम शब्द है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर हम आपको एकदम नॉर्मल सी बात बता दें कि नॉर्मल टर्म में क्या है, हाँ ये अच्छा है. अच्छा हाँ आइडिया अच्छा है चित्राक्षी का कि ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं. एक्चुअली यू नो वी आर टू मच इनटू जेनेटिक्स कि कहीं ना कहीं अब इस चैप्टर में इंटरेस्ट कम हो रहा है, एंड आई एम लविंग इट बिकॉज यू आर चूजिंग जेनेटिक्स ओवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नॉट इवन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सो दैट इज़ ग्रेट थिंग. सो एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है. अब इसमें इसको हम लोग बोलते क्या है, ये नॉर्मल टर्म में अबॉर्शन है. सुने होगे तुम लोग, आई थिंक एवरी वन मस्ट हैव हर्ड कि उन्होंने अबॉर्शन करा लिया, उनका अबॉर्शन करा दिया गया, अरे भाई प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी, अबॉर्शन हो गया. सो दैट इज़ योर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, लोगों के बहुत एक बड़ा मिथ है कि अबॉर्शन इलीगल है, बट इतना याद रखो अबॉर्शन इंडिया में लीगल है, इट इज़ नॉट इलीगल. पहले तो भेजे भी बिठाओ, ठीक है. अबॉर्शन आराम से कराया जा सकता है और कोई परेशानी नहीं है. इलीगल क्या है कि अगर आपका फीमेल फीटीसाइड इज इलीगल, फीमेल फीटीसाइड बोले तो आपका, अगर आपको पता है कि हाँ मेल है कि फीमेल है उसके बाद आप अबॉर्शन करा रहे हो तब इलीगल है. सो दिस इज पार्शियली बैन अप फॉर अ सर्टेन कंडीशन कि हाँ तुम्हारी जो अबॉर्शन की वजह ये नहीं होनी चाहिए कि भाई बेटी होने वाली है तो मेरे को उसको दहेज देना पड़ेगा, तो एक काम करो अबॉर्शन करा दो, लल्ला आएगा वो तो खानदान चलाएगा इसलिए उसको बर्थ देने दो. सिर्फ ये चीज़ आपका इलीगल है, ठीक है. बाकी आपका अबॉर्शन टोटली लीगल है, कोई भी जाके करा सकता है, बट ऑफकोर्स फॉर सर्टेन कुछ कुछ जो है आपकी उसमें कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं. क्या बोला गया है, पहले अबॉर्शन अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, हाँ तो वो लिखा हुआ है इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ये देखो और इंड्यूस्ड अबॉर्शन इसी का अनदर नेम है, ये तुम्हारी वन मार्क्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है कि अच्छा टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब होता है किस चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है. प्रेगनेंसी को एंड करना मेडिकली, मतलब चाहे आप मेडिसिन लेके करो या आप सर्जरी के थ्रू करो, टर्म से ही आपको समझ आ जाएगा कि मेडिकली अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, उसी को अबॉर्शन बोलते हैं. वही चीज़ यहाँ पे बोला है इंटेंशनली, इंटेंशन मतलब जानबूझ के, वॉलेंट्री मतलब जो हम जान के करें, क्या चीज़ करें, टर्मिनेशन ख़त्म करें, क्या प्रेगनेंसी कब, बिफोर फुल टाइम. ऐसा थोड़ी ना कि भाई बेबी जन्म लेने वाला एक दिन पहले तुम उसको बोलो कि नहीं हमें अबॉर्शन कराना है, इट्स नॉट गोना हैपन. अगर फुल टर्म मतलब कि आपका 9 मंथ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेबी प्रॉपरली डेवलप हो चुका है, उसे तो मर्डर बोलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्या है कि नियरली लुक एट द डेटा ब्लॉक कर दिया भाई, ब्लॉक कर दिया. 45 से 50 मिलियन हर साल होती हैं, 45 से 50 मिलियन, कैन यू इमेजिन दिस, 45 to 50 मिलियन, यू कैन नोट दिस डाउन इन योर नोट्स, 45 to 50 मिलियन एमटीपीज हो रही हैं आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड हर साल में, ठीक है. सोचो कितना ज़्यादा, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर. मतलब अगर मान लो जितनी आपकी प्रेगनेंसी, अगर मान लो 5 लोग प्रेगनेंट हो रहे हैं तो उसमें से एक लोग तो एमटीपी करा ही रहे हैं. ओ गॉड लुक एट द डेटा,
माई गॉड एक्चुअली इट इज हर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला गया है whether to accept legalize MTP or not being debate upon in many countries due to emotional, ये आपको बोला गया कि हर एक countries में कि भाई MTP accept करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर एक country का अलग अलग believe है। ठीक है, emotional believe लोगों का है, ethical believe, religious, social issues हर जगह पे आपके involved हैं। emotional है कि हाँ भाई emotional connect है, नहीं भाई बच्चे की जान है हम नहीं करेंगे। ethical कि नहीं यार गलत है, है ना, एक सेल भी बन गई तो वो तो जान हो गई, उसको मर्डर करना हो गया। रिलीजियस बहुत सारे धर्म का मानना है कि मतलब भगवान की देन है तो क्या है कि आपको जो है इसे नहीं ख़त्म करना चाहिए। सोशल ऑफकोर्स समाज इसको गलत तरीके से ठहराता है। तो हर एक में, हर एक कंट्री में अलग अलग है। कहीं पे ये बहुत नॉर्मल बहुत कूल चीज़ है, कहीं कहीं पे मतलब लीगल भले है लेकिन लोग इसे शर्म की नज़रों से देखते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिलीव है हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारा अभी यहाँ पे कंसर्न है नहीं। अब यहाँ पे जो हमारे मेन, हाँ मेन यहाँ पे है आपका, अरे हाँ 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 मैम पार्ट थ्री अपलोड, अरे हम डेली सोच रहे हैं, देखो एक्चुअली मेरे लैपटॉप में अभी आज तुरंत ही करेंगे अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा चैनल पे ना मैंने फुल फॉर्म करके एक वो अपलोड किया है जिसमें ये MTP और इसके सबके वो दिखे हैं। यहाँ पे देखो वो वहाँ से देख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया है 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज योर अबॉर्शन इज लीगलाइज, लुक एट दिस, लेकिन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, सर्टेन कंडीशन कौन कौन से हैं कि इसका भाई मिसयूज ना करो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप जो है इंडिस्क्रिमिनेट ना करो, इलीगल फीमेल फर्टिसाइड ना हो इंडिया में, जो कि बहुत आई है। इंडिया में बहुत ऐसे जगह जहाँ पे भाई लड़कियों का नंबर बहुत कम है क्योंकि वो लोग चेक कराते हैं उसके बाद मर्डर करा देते हैं। वाई MTP, यहाँ पे आपको बोला गया है कि MTP क्यों, ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब आता है सबसे पहले कि आप MTP अबॉर्शन का एक टॉपिक उठाई कहाँ से। ठीक है, तो उठा इस वजह से कि किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उस वक्त, तो वो अबॉर्शन करा लेगी। क्यों होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्यों प्रेगनेंसी क्यों, देखो दो चीज़ हो सकती है, या तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है ना, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की भाई जब उनका इंटरकोर्स हो रहा है दे आर नॉट यूजिंग एनी मैथड और फिजिकल ओरल IUDs एंड दे आर नॉट अंडर द परमानेंट सर्जिकल। तो अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव इफ यू आर नॉट यूजिंग नेचुरल वाला भी तुम्हारा वर्क नहीं कर रहा है, तब तो प्रेगनेंट होगा एंड यू डोंट वॉन्ट प्रेगनेंसी एट दैट मोमेंट। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अबॉर्शन कराना। ठीक है, फेलियर हो जाए कॉन्ट्रासेप्टिव का, जैसे हम लोग लास्ट डे बात कर रहे थे उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पढ़ा रहे थे, मैंने आपको बोला था कि इट्स लाइक बैक्टीरिया का एड जैसे होता है ना, मारे 99.9% कीटाणु, तो वही हालत आपके मेथड्स का भी होता है। देयर इज़ नो मेथड विच इज़ लाइक 100% सेफ। ठीक है, मैंने हम लोग बात कर रहे थे कि फिजिकल मेथड में जो आपके कॉन्डम्स भी होते हैं, इट्स नॉट दैट दे विल वर्क, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ भाई दे डोंट वर्क, यू आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव दे आर नॉट वर्किंग, एनी रीजन, इट माइट बी एनी रीजन। ठीक है, सो इसका मैंने तुम लोग को वो भी बताया था, एक वो भी बताया था कि पहले आपके क्या होते थे 100% लिखे होते थे, हाँ निरोध निर्दोष। अभी आजकल कोई भी कंपनी इसका एड दे ही नहीं रही है कि इट विल वर्क 100%, यू विल वॉच एनी एड, इट विल बी कि हाँ 90% 99% या फिर मैक्सिमम कुछ ऐसा, वो लोग कभी भी ये टर्म यूज़ ही नहीं करेगा 100% या फिर गारंटी, कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने उसका ट्वीट देखा होगा आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर के प्रेगनेंसी पे, अब पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं, वन कॉन्डम ब्रांड रियली ट्वीटेड महफिल में तेरे हम तो नहीं थे। सो देखा मतलब कितना बेहतरीन एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी। तो वहाँ पे भी देखो एक तरीके की चीज प्रूव किया जा रहा है कि ये ऑफकोर्स इफ़ समवन इज़ गेटिंग प्रेगनेंट देन देर वॉज नॉट यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो पता नहीं तुम लोगों ने देखा कि नहीं, अच्छा देखा है। सो यहाँ पे हम एक वही बात कर रहे हैं कि कभी कभी आपके क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके फेल होते हैं। ठीक है, और रेप्स का एक बहुत बड़ा है भाई, रेप में कोई क्या ही कर सकता है, तो वो भी एक है कि वहाँ पे भी आपकी इंड्यूस प्रेगनेंसी दी जाती है। ठीक है, हाँ हाँ बड़ा अच्छा ही ट्वीट था, इट वाज लाइक वेरी वायरल ट्वीट एंड आई वाज लाइक वाव व्हाट अ ब्रेन दैट पर्सन गॉट, कि यहाँ पे प्रमोशन चल रहा है ड्यूरिंग कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ नहीं अब ग्रुप पे, हाँ अब ग्रुप पे बेटा तुमने मेरी ग्रुप पे सबका डालो। ओके, MTP आर ऑल्सो इसेंशियल, अच्छा यहाँ पे बोला गया है MTPs आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर फॉर दी। देखो ये आपका हो गया रीजन, 2 मार्क्स में आ सकता है ये कि क्या क्या रीजन आपके हो सकते हैं MTP का। सबसे पहले चीज़ यू डोंट वॉन्ट अनवॉन्टेड, या फिर आपका कैजुअल इंटरकोर्स की दौरान हो गया। सेकेंड फेल हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव। थर्ड
आपकी रेप का केस है, फोर्थ एट दैट मोमेंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मान लो कभी कभी क्या होती है कि प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उनको पता है कि अगर बेबी को और थोड़ा दिन तक रखेंगे तो या तो मदर की डेथ होगी या तो बेबी की डेथ होगी, ठीक है. सो उस केस में भी आपके डॉक्टर क्या करते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं, या फिर ऑफकोर्स दे आस्क विद फैमिली कि माँ की वो वाला सिनेरियो देखा है ना, हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं, या तो माँ को या तो बेटे को. वो खैर एकदम लेटर स्टेज पे होता है, बट अगर स्टार्टिंग स्टेज पे सारे कॉम्प्लिकेशंस पता चल जाते हैं तो जनरली आपके अबॉर्शन करा दिए जाते हैं. हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द थिंग. एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कभी कभी क्या होता है कि ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, लुक एट दिस, व्हाट एम आई मेकिंग, आई डोंट नो. कभी कभी प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है और आपको पता है फेलोपियन ट्यूब का स्पेस इतना ज़्यादा तो है नहीं, और ना ही मदर जो है बॉडी बेबी को वहाँ पे फीड कर सकती है. 9 मंथ वहाँ पे बेबी ग्रो ही नहीं हो सकता है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज कि अगर आपका इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस कहीं और हो गया है, तो उस केस में भी अबॉर्शन कराया जाता है, ठीक है. नहीं, इलीगल नहीं होगा भाई, मैंने आपको बोला है कि सारे केस में इलीगल नहीं है, ठीक है, कोई भी इलीगल नहीं है. अगर इफ़ देयर इज़ अ फीमेल, अगर कोई फीमेल है भाई, अगर वो लेट से आज प्रेग्नेंट हुई है, वो कल जाके डॉक्टर को बोलती है कि हाँ मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि हम ये बेबी का अभी हम ध्यान नहीं रख पाएंगे, ठीक है, तो वो अबॉर्शन करा सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है. सिर्फ अगर वो इतना ही बोल दे, हम कह रहे हैं नहीं है कोई रेप का केस, नहीं है कोई फेलियर का केस, नहीं है कोई खतरा, फिर भी इफ़ अ फीमेल इज सेइंग कि नहीं हमारी बॉडी नहीं सपोर्ट करेगी, या फिर नहीं आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर और एनी थिंग, आई डोंट वॉन्ट दिस, वो लीगल होगा. याद रखो 1971 में लीगलाइज हो चुका है. हाँ, हमारे सोशल बिलीव ऐसे हैं, हमारे एथिकल बिलीव ऐसे हैं कि हम लोग उसे बहुत ज़्यादा वो नहीं देते हैं. क्या पता कैसे चलेगा. अरे तो कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हर फीमेल बेटा चेकअप कराती रहती है ना. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर आप देखोगे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, बीच बीच में चेकअप होता रहता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ सही है, प्रेगनेंसी सही जा रही कि नहीं, हार्मोन सही जा रहे कि नहीं जा रहे, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये खतरे वाली चीज़ है, ठीक है. या फिर कभी कभी क्या होता है, तुम लोग चैप्टर 5 में भी जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ोगे, कभी कभी क्या होता है पता है, बेबी का कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाता है कि जैसे हमें पता होता है कि अगर मान लो बच्चा का बर्थ भी हो जाएगा तो भी उसका सर्वाइवल नहीं होगा, ठीक है. जैसे उसमें मान लो इम्यून सिस्टम की ही सेल नहीं बनी है, या फिर उसमें कोई डिसऑर्डर हो गया है जिसकी वजह से उसका बॉडी शेप अलग बन गया है, डिफॉर्म हो चुका है उसका, कभी कभी ये माउथ वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बन जाता है, ठीक है. सो वो आपका दिख जाता है, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई इस बच्चे को, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस रीज़न, हाँ डाउन सिंड्रोम वगैरह हो गया. तो जो आपकी जेनेटिक इबनॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें है कि अगर मान लो बच्चे का जन्म हो भी रहा है तो भी क्या ही पॉइंट है, उसके लिए शायद उस वक्त अबॉर्शन इज़ द बेटर ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे आके इस दुनिया में आके सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. नो, तो चेकअप होते रहते हैं. अच्छा, मंथ MTPs आर कंसिडर. अच्छा, अब देखो कब तक ये सेफ है, ये एक अलग आंसर होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले तो 3 महीने, 3 महीने बोलते तो 12 वीक्स, ठीक है. ये तुम्हारा एक दिन क्वेश्चन आया था जिसका मैंने रॉन्ग पुल चला गया था, बिकॉज दोनों ऑप्शन था तुम्हारा, एक था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ऑप्शन वॉज 12 वीक्स, थर्ड ऑप्शन वॉज बोथ ऑफ दीज. फर्स्ट ट्राइमेस्टर देख के हमने टिक किया था, ठीक है. तो ये तुम लोग के क्विज में था, इफ ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, एम्स में आ चुका है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहा है. हाँ, नेक्स्ट, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, रिस्कियर है बट हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने तो ठीक है, सेफ है, हो जाएगा, ठीक है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इन द मेजॉरिटी ऑफ MTPs परफॉर्म्ड इलीगल बाय अन. हाँ, एक जो सबसे बेकार चीज़ है कि भाई आपका MTP जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कोई भी कर दे रहा है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है, कोएक्स बोले वो जो नर्स और हेल्पर्स वो लोग कर दे रहे हैं, जो कि अनसेफ है, ठीक है, फेटल हो सकता है. आप पता चला अबॉर्शन करवा रहे हो, बच्चे का माँ का भी साथ में उड़ा दिए, ठीक है. तो इस वजह से ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए. कोई दूसरा डेंजरस टेस्ट क्या है, ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें मिसयूज़ हो रही हैं. ये यहाँ से तुम्हारा मिसयूज़ का 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है. तो पहला मिसयूज़ ये है कि लोग मतलब सस्ते करवा रहे हैं, या फिर डॉक्टर ढंग से क्वालिफाइड नहीं है वो कर रहे हैं. दूसरा चीज़ क्या है कि पता कर रहे हैं कि एमनियोसेंटेसिस से पता कर ले रहे हैं सेक्स ऑफ बेबी, और उसके बाद फीमेल फर्टिसाइड करा रहे हैं. तो ये दोनों चीज़ें अगेंस्ट, दिस इज अगेंस्ट लॉ. क्या क्या चीज़ें आपकी इलीगल हैं, पहली चीज़ कि भाई ढंग के क्वालिफाइड डॉक्टर से कराओ, दूसरी अगर ये ना पता होना चाहिए तुम्हें कि लड़का है कि लड़की है, उसके बाद तुम अगर करवा रहे हो तो भी इलीगल है, ठीक है. सो दीज आर द 2 थिंग्स. अच्छा, अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस. हाँ भाई, तुम ढंग के डॉक्टर्स कराओ, और मदर और फीटस दोनों के लिए इफेक्टिव काउंसलिंग होनी चाहिए, और
इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड द अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड रिस्क ऑफ फॉलिंग. अच्छा हाँ, ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे, ढंग के डॉक्टर के पास कराओगे, डॉक्टर तुम्हारा अबॉर्शन तो करेगा लेकिन ये चीज़ समझाएगा कि बेटा देखो, बच्चा देखो, राजा बाबू देखो, अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स इज नॉट गुड थिंग, और इलीगल ऑप्शन नहीं कराओ, उन्हें समझाओ कि नेक्स्ट टाइम नहीं करो. तो ये सारे ज्ञान बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपके क्वालिफाइड डॉक्टर भी दे सकते हैं. बस यही चीज़ है. और उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करो कि जिससे, अच्छा आपको पता है अबॉर्शन बहुत ज़्यादा कराने की वजह से फीमेल की बॉडी वीक भी हो जाती है और नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम भी होती है. तो ये सारी चीज़ें आपकी ध्यान में रखनी होती है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखो. हाँ, क्वालिफाइड, देखो अगर आप नहीं जान रहे हो, एक बात को समझो ज़रा. ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट, कोई अबॉर्शन करा रहा है और वो लड़की हुई, तो हम कह रहे हैं कि अगर अबॉर्शन कोई फीमेल करा रही है, उसका रीज़न अगर तीन है कि अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स था, या फिर रेप था, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, या फिर रिस्की था, भाई लड़का या लड़की में से कोई ना कोई तो होगा ही, 50% चांस है. तो हाई चांस है कि तुम जो अबॉर्शन करा रहे हो उसमें लड़की जा रही है या तो लड़का जा रहा है, लेकिन वो इलीगल नहीं माना जाएगा क्योंकि तुमने टेस्ट नहीं कराया है, तुम्हें नहीं पता है. सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग जस्ट फॉर ए नॉर्मल बेबी अबॉर्शन, उसका रीज़न ये नहीं है. तो ये नहीं होगा कि हाँ मैम हमने मान लो कराया और वो लड़की हुई तो क्या हमें केस, क्या किसी पे केस हो जाएगा, नहीं होगा अनटिल कि तुमने एमनियोसिंथेसिस नहीं कराया है और तुम्हें पता नहीं है. बाकी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ना एक जेंडर तो होगा, या तो लड़का है तो लड़की. हाँ, जब तक पता नहीं है, जब तक तुमने टेस्टिंग नहीं कराई, जब तक तुम एम्ब्यूसेंटिस नहीं, जब तक तुम्हारा ये रीज़न नहीं है कि नहीं भाई हम इस वजह से अबॉर्शन कराएंगे बिकॉज दैट अपकमिंग बेबी इज फीमेल, यू आर गुड टू गो. ठीक है, गलत डॉक्टर से नहीं कराओ बस, और स्टार्टिंग के तीन ट्राइमेस्टर में कराओ. अच्छा ये यहाँ पे देखो, कुछ कुछ अमेंडमेंट आया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो. हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपका क्या है, 2017 में आया था ये, गवर्नमेंट अमेंडमेंट दिया था, मतलब इसमें कुछ कुछ चेंजेस दिए थे. हाँ हाँ हाँ, एमनियोसिंथेसिस से पता चलता है कि बेबी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम अगर ये पता हो कि लड़का है तो करवा सकते हैं. हाँ करवा सकते हैं, फीमेल बॉडी साइड इज ओके. पता ही क्यों करना है, रीज़न ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, सिर्फ फीमेल बॉडी साइड पे बैन है. अच्छा 2017 में क्या बोला गया, 2017 में कि इल्लीगल अबॉर्शन को रोकने के लिए आपका कुछ कुछ जो है एक्ट दिए गए, जैसे आपको दिया गया है कि जो आपका प्रेगनेंसी होगा वो 12 वीक्स तक ही कराया जा सकता है. ठीक है, और उसे एक डॉक्टर से साइन कराना पड़ेगा, अच्छे डॉक्टर से, ढंग के डॉक्टर से जिसके पास लाइसेंस हो. ठीक है, और 12 वीक्स के अंदर अंदर, लेकिन अगर मान लो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी तुम सेकेंड ट्राइमेस्टर में कंसिडर कर सकते हो. और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कंसीडर करने के लिए तुम्हें आपका दो डॉक्टर से साइन कराना पड़ेगा. ठीक है, और उसका रीज़न कुछ ऐसा होना चाहिए कि या तो प्रेगनेंसी में मदर की डेथ होने वाली है, उसको कोई फिजिकल मेंटल इन्फ्लुएंस है, या तो बेबी को कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, जैसे कि वो फिजिकली मेंटली एबनॉर्मल है या फिर सीरियसली हैंडीकैप्ड है. ये ओवरऑल तुम्हारे इसमें क्या दिया गया, इसको समझा देते समरी में. ये बोला गया 2017 में एक अमेंडमेंट आया है कि भाई अगर प्रेगनेंसी एमटीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बिना एमनियोसिंथेसिस कराए, बिना चेकअप कराए, फीमेल फर्टिसाइड नहीं होना चाहिए. अगर आप स्टार्टिंग के 3 महीने या फिर बोले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या आपका 12 वीक्स बोले, अगर आप तब करा रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक डॉक्टर की परमिशन होनी चाहिए और करवाया सकता है कोई भी. और सेकेंड ट्राइमेस्टर बोले तो 24 वीक्स में सिर्फ कुछ कंडीशन में ही अबॉर्शन हो सकता है. कुछ कंडीशन कैसे, कि या तो माँ को कोई खतरा है और या तो बेबी को कोई खतरा है, या तो बेबी एबनॉर्मल है, या तो मदर को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, और उस केस में दो डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, ये 2017 का अमेंडमेंट में ये चीज़ें आई थी. चल नेक्स्ट, कौन क्राइम पेट्रोल देख रहा है भाई, बड़े बदमाश हो. अच्छा STIs में क्या है, STIs एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, आजकल ये बहुत हिट टॉपिक है, लेकिन हमने सिर्फ उतना ही करना जितना आपके NCERT में है. MTP बिना इम्प्लांट्स पार्ट वन सर्च करो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाई निकिता शुक्ला मैम, यू विल सर्च, यू विल गेट, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इम्प्लांट IUTP सब पढ़ाया है. अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखना जो कि यहाँ पे दिया, पता नहीं मैंने लाइन स्किप की या क्या की. ठीक है, MTP जो है सिर्फ नॉर्मल एक मेडिसिन से भी हो सकती है, दवा दे देते हैं उससे हो जाती है, या फिर सर्जिकल हो जाती है. कोई ज़रूरी नहीं कि मेडिकल अबॉर्शन के लिए हमेशा सर्जरी हो. ठीक है, यहीं पे कहीं लिखा तो होगा, नहीं लिखा है तो भी जान लो कि नॉर्मल मेडिसिन से भी हो जाती है. कोई ज़रूरी नहीं कि MTP के लिए आपका वो हो. CID बहुत देखा है.
नहीं अटैचमेंट बेबी का अच्छे से नहीं होता ना, तो मदर को खतरा नहीं होता है। जब अटैचमेंट हो जाता है तो सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंडोमेट्रियम प्रॉपरली, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, आपका क्रोनिक विलाई अच्छे से इम्प्लांट हो जाता है, मदर की बॉडी का न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। नेचर से खेलोगे हार्मफुल इफेक्ट तो रहेगा ही। अच्छा STI सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन। मैम जेनेटिक्स के आगे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, जल्दी ख़त्म करो। माई गॉड यू गाइज आर रियली माई फ्रेंड। आई ऑलवेज प्रिफर जेनेटिक्स, यू नो जेनेटिक्स में मेरे को हमेशा ज़्यादा प्यार था। और इवन इन 11th आई यूज टू से यार तुम लोग जल्दी 12th में जेनेटिक्स पढ़ाने, जेनेटिक्स पढ़ाने। हाँ हाँ काइंड ऑफ खुशी। चलो ठीक है जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। इन्फेक्शन या डिसीज़ जो कि आपकी क्या हो, STI बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको पता होना चाहिए। इन्फेक्शन या डिसीज़ जो कि आपकी ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, है ना, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं STI, इन्हीं को हम वेरिनरल डिसीज़ बोलते हैं, इन्हीं को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। इतने सारे होते हैं। आपका नेम क्या क्या दिया है, गोनोरिया दिया है, सिफिलिस दिया है, जेनेटिकल हब दिया, क्लैमाइडियोमोनास, जेनेटिकल वॉस, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, आपसे 5-6 ऑप्शन देखिए पूछ लेगा विच वन इज नॉट दिस। हाँ जेनेटिक्स बहुत मज़ा आ रहा है, जेनेटिक्स क्लास इज एक्सटेंडिंग लाइक एवरी टाइम। हाँ अरे कितना जल्दी ख़त्म कर दे यार तुम लोग आज सुबह मेरे 25 क्वेश्चन क्या करा दिए, तुम लोग को ऐसे खलबली मची हुई है, कॉपी पेन चलाने नहीं मिल रहा है, n की वैल्यू 2 की पावर 3 की पावर, है ना, इसको काटो 1/4 × 400, ये सब तुम्हें करने नहीं मिल रहा, तुम लोग को शांति सुनने में भी सुकून ही नहीं मिल रहा है। ठीक है सुन लो भाई, 10 मिनट सुन लो, ठीक है सुनो। हाँ बोल दो, वो खलबली मची हुई हाथ में, कुछ एक्शन चाहिए। अब जेनेटिक्स में क्या है ना कि तुम लोग का रोल बहुत ज़्यादा है, मतलब जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें मज़ा आ रहा है। YT पे जेनेटिक्स कब स्टार्ट होगा, हाँ ये भी मैंने सोचा भी नहीं है। ठीक है दम नहीं इस चैप्टर में, ओ हो हाँ बेटा आज यही, कभी इसी चैप्टर के लिए तुम लोग ऐसे सपने बुना करते थे, आज यही चैप्टर तुम्हें मतलब बेवफा कर दिए तुम लोग इसको, धोखेबाज यही है, ऐसे ही करो तुम लोग। ओके सो मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन आपका रिसेंटली, आपको पता है भाई HIV है, हर जगह HIV एड्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है रीज़न क्या है, HIV इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा डेंजरस है, इसका डिटेल तुम्हें चैप्टर 8 में मिलेगा और हम भी चैप्टर 8 में पढ़ाएंगे, मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाने का भी कोई भी शौक नहीं है। ठीक है कुछ इन्फेक्शन आपका, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी HIV आपकी ट्रांसमिट हो जाती है इंजेक्शन निडल से भी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी। ठीक है अगर सिर्फ फ्लूड का ट्रांसमिशन हुआ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मान लो किसी एक पर्सन को, लेट्स से चिंटू है, चिंटू को एड्स हो रखा है, उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसे सेम सिरिंज से तुम्हें लगा दिया, तो उसका ब्लड अगर तुम्हारे में आ गया, मतलब किसी में भी आ गया, तो उसको हो जाएगा, तो HIV और हेपेटाइटिस बी ये प्रॉब्लम है। ठीक है अब देखो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए और मदर से फीटस में भी आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हेपेटाइटिस बी HIV का ट्रांसमिशन ब्लड से हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, किसी भी वजह से आपका अगर फ्लूड का ट्रांसमिट हुआ, या फिर मदर से बेबी में भी हो सकता है। ठीक है ये देखो ये और इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हेपेटाइटिस बी छोड़ दो, जेनेटिकल हब्स छोड़ दो, HIV छोड़ दो, ये तीनों के अलावा बाकी सब आपकी ट्रीट हो सकती है अगर पहले पता चल गया तो। बट ये तीनों का नाम इतना ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि किसी को एक बार हो गया, इसकी कोई दवा नहीं है, तुम गए काम से। ठीक है ये है अर्ली सिम्टम्स, इसके क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स हो गया कि भाई हल्की सी खुजली हो गई, फ्लूड डिस्चार्ज हो गया, है ना, और थोड़ा सा दर्द हो गया, स्वेलिंग हो गया, लोग इसको सबको इग्नोर कर देते हैं अर्ली सिम्टम्स को, ये तुम्हें लर्न होना चाहिए 1 मार्क्स में, वॉट आर अर्ली सिम्टम्स। जेनेटल रीजन्स में इन्फेक्टेड फीमेल्स में, अच्छा फीमेल में और बड़ी प्रॉब्लम है, फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में आपका ये जो असिम्प्टोटिक होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिम्प्टोटिक, मतलब सिम्टम्स ही नहीं दिखते हैं अर्ली स्टेज में। ठीक है बहुत दिन तक आपके अनडिटेक्टेड रहते हैं सिम्टम्स अर्ली स्टेज में आपके क्या, और उसके बाद बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा भी अटैच है, है ना, किसी को STI हो गया, लोग डॉक्टर के पास वैसे भी नहीं जान चाहते हमारे बारे में, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये तो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही होता है, बट हो सकता है मदर से बेबी में आया हो, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनकी मदर से बेबी में आया तो, और उन्हें लगता है कि गॉड अभी पता किया तो फिर ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि इसने तो 100% सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। ठीक है बट तो सोशल स्टिग्मा इतना बड़ा है कि लोग को शक भी होते तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इन्फेक्टेड पर्सन को बल्कि डिटेक्शन के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि भाई मरना है, जीना है तो करना है। ठीक है
और नेक्स्ट ये यहाँ पे बोला गया है कि अच्छा फीमेल में क्या होता है, फीमेल में बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपका क्या होता है कि असिम्प्टोटिक है फीमेल में, बाद में क्या होता है, इट कैन लीड टू पेल्विक इन्फेक्शन डिसीज PID, पेल्विक साइड पे उनकी इन्फेक्शन हो जाता है, अबॉर्शन बार बार हो जाता है, स्टिल्ट बर्थ, ये सुनोगे तुम लोग बच्चे की, मतलब बच्चा का बर्थ हुआ है बट वो डेड है, उसे स्टिल्ट बर्थ बोल देते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उन्हें उनकी फेलोपियन ट्यूब में या कहीं और अपार्ट फ्रॉम यूटरस बेबी का इम्प्लांटेशन हो रहा है, इनफर्टिलिटी वो माँ नहीं बन पा रही है, कभी कभी कैंसर भी हो जा रहा है, रिप्रोडक्टिव कैंसर भी हो जा रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम उनको बाद में हो सकती है, इस वजह से भाई जाओ चेकअप कराओ, ठीक है। नेक्स्ट STI का मेजर थ्रेट क्या है, हेल्थ सोसाइटी यहाँ पे आपको बोला गया अर्ली डिटेक्शन और क्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और सारे के सारे पर्सन यहाँ पे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि 15 to 24 ईयर्स एज वाले लोगों को ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसका रीज़न क्या है आपको पता है भाई, कि ये एज सेक्शुअली एक्टिव बच्चे जो होती है एडल्ट बहुत ज़्यादा होती है, बेटर 12th, ओके, क्योंकि इस एज में ही उन्हें इन्फॉर्मेशन होती नहीं, करना सब होता है, आता कुछ नहीं, करना सब है तो। और उसके बाद ये कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ा रीज़न मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, नहीं हम तो प्ले बॉय बनेंगे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, ठीक है। सो ये एक चीज़ होती है, तो इस वजह से क्या क्या चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, सबसे पहली चीज़ सेक्स अवॉइड करो मल्टीपल पार्टनर से, अननोन पार्टनर से, तो ये आपको पता है कि आजकल की जो मेगा सिटीज़ हैं उसमें ये कूल थिंग है कि इफ़ यू आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर, यू आर हैविंग इंटरकोर्स विद अननोन पार्टनर, हाँ पार्टी में गए और उसके बाद तुम कूल डूड बन रहे हो, पता चलेगा HIV हो गया, ज़िंदगी गई, कूल डूड बनते रह जाओगे, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम, उसमें भी कुछ लोग का हम लास्ट डे बात कर रहे थे कि यू नो वन ऑफ द प्रॉब्लम विद नॉट यूजिंग कॉन्डम इज़ दैट मेल थिंक, सबसे पहली चीज़ की दे आर वेरी एक्सपर्ट इन डूइंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, थर्ड मेथड ऑफ नेचुरल, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, सोच रहे हो तुम लोग, बताओ मेरे को नाम याद आ गया, बट बोलेंगे नहीं, विड्रॉल मेथड, हाँ क्वाइटस इंटरप्रेटर्स, तो बहुत सारे मेल इस वजह से नहीं यूज़ करते हैं, उनको लगता है वो तो एक्सपर्ट हैं विड्रॉल मेथड में, क्वाइटस इंटरप्रेटर्स में, बट एक्चुअली नहीं है ना, स्पर्म में से थोड़ा भी स्पर्म गया, बस एक ही स्पर्म पहुंचने की देरी है, हो गया, तुम तो एक्सपर्ट ही दिखाते रहोगे, सामने वाले की बैंड बज गई, और उसके बाद है कि चलो प्रेगनेंसी का मान लो नहीं भी हुआ तो भी STI ट्रांसमिट कर दोगे। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे मेल को ये लगता है कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल उनको मतलब उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर से इंटरफेयर करेगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट, ऐसा कुछ नहीं होता है कि दैट इफ़ समवन इज़ यूजिंग कॉन्डम इट विल इंटरफेयर दी सेक्सुअल डिज़ायर, ये हम डे वन पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये सारे रीज़न होते हैं जो कि एक्चुअल नहीं होना चाहिए, नो मैटर। अभी और तीसरा रीज़न क्या होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता है, तो सामने वाली जो फीमेल होती है समटाइम्स इवन फीमेल इंसिस्ट की आई एम ऑन पिल्स, ठीक है, देर आर, हम आपको लास्ट डे बात बता रहे थे, अगर दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर इज़ यूजिंग पिल मैथड और इम्प्लांट और इंजेक्ट, यू आर एक्चुअली सेफ, ठीक है, हाँ फेमीडोम्स वगैरह डायफ्राम वगैरह, लेकिन क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ है कि हाँ भाई सामने वाला प्रेग्नेंट नहीं होगा, बट स्टिल इट्स नॉट सेफ फॉर STI, ठीक है। सो यही आपको NCERT बताना चाह रही है कि यूज़ कॉन्डम नो मैटर व्हाट कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड यू आर यूजिंग और योर पार्टनर इज यूजिंग, ठीक है। सो ये एक चीज़ है, इन केस अगर डाउट है डॉक्टर के पास जाओ, अर्ली चेकअप कराओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, ठीक है। और एड्स वगैरह क्या होता है ना, बहुत साल बाद इफेक्ट आता है, 8-10, 10-15 साल, तो अगर आप स्टार्टिंग में बहुत कम एज पे आपको नहीं हो जा रहा है तो आप सर्वाइव कर सकते हो कुछ साल की ज़िंदगी। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी निरोध, अब ये एक चीज़ है जो हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे ब्लैंक स्लाइड पे, और इसके बाद तुम्हारा चैप्टर ख़त्म है बहुत जल्दी से, ठीक है, बस ये चीज़ सुन लो क्योंकि ये तुम लोग बार बार गलत करते हो और मारेंगे बहुत हम, ये तुम लोग गलत करोगे तो दोबारा से। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो अभी तक तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ आपका क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रेग्नेंट नहीं होना है किसी फीमेल को, प्रेगनेंसी अगर हो चुकी है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्शन कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अब आता है कि जहाँ पे हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना चाहते हुए लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, 10-10, 12-12, 15-15 साल के, यू नो 15 ईयर्स 16 ईयर्स इवन 14 ईयर्स की गर्ल्स प्रेग्नेंट हो रही हैं,
सो कैन यू इमेजिन ऑल दीज थिंग्स. ये तुम लोगों ने देखा होगा कि रोड साइड पे बच्चे मिल रहे हैं, ये सारे केसेस यू आर गेटिंग लाइक एवरी अनदर डे. बट एट द सेम टाइम देर आर प्रॉब्लम कि उतने ही कपल्स परेशान हैं कि इनको बच्चा नहीं हो रहा, इनको बच्चा नहीं हो रहा, इनको बच्चा नहीं हो रहा. इनफर्टिलिटी इज़ अगेन द ह्यूज प्रॉब्लम. सो कहते हैं ना कि जिसको वो बोलते हैं, हाँ, तो इनफर्टिलिटी भी हमारे कंट्री में उतना ही प्रॉब्लम. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है और फिर भी आपका इंटरकोर्स हो रहा है. हम पता है हम लिखते हैं और लिखने के बाद फिर मेरे को याद आया यूट्यूब सेशन है तो इंटरकोर्स पढ़ो और अभी तक तुमको पता है व्हाट इज इंटरकोर्स. सो इंटरकोर्स स्पेलिंग सही है, मेरे को गलत लग रही है, ये सही है? हाँ, नहीं तो भी अभी इनने स्क्रीनशॉट लेके मेरे डीएम में भी धमाल मचाना है. टेलीग्राम पे तो इतने मैसेज आते हैं चैप्टर पढ़ाने के बाद कि पूछो ही नहीं. पता नहीं कितने आरएसएस हनुमान दल वाले आ जाते हैं और बहुत एवरी टाइम आई गेट यू नो टन्स ऑफ मैसेजेस, मैम ये क्या पढ़ा रहे हो. चलो तो ये सही है, स्पेलिंग सही है. इंटरकोर्स नहीं पता मत पढ़ो बालाजी, छोड़ दो. So unprotected, yes, you know, and from the very I'll show you, I don't know where it is. Last year I have gotten a message from a very huge community, I won't name, a dharmic community it was, and head of that community actually messaged me with a very surprisingly long paragraph and I was like, what is this? ठीक है कि व्हाट एम आई टीचिंग विद लाइक सो मच उसमें लॉज. एंड इट वाज ऑन माय डीएम, इट वाज ऑन माय टेलीग्राम डीएम, इट वाज ऑन माय मेल एज वेल एंड आई वाज लाइक वाओ. तो वो चीज़ तो बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञान मिलते हैं कि हम कैसे उनके धर्म को स्पॉइल कर रहे हैं. आई एम लाइक भाई सीबीएसई वालों को बोलो क्या करें इसमें. तो और हाँ, एंड मैंने उसका एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नेम सर्च किया, मेरे को लगा कि फेक है, बट आई सर्च दैट आई मैच द लैंग्वेज, आई वॉज लाइक ओ इट्स एक्चुअली सीरियस. चलो ठीक है, देखते हैं. बट मेरा एक आध दिन अगर मेरे कोई उठा ले जाए, समझ लेना रीज़न यही है. ओके, सो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, एक्चुअली मैंने हाँ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हो फिर भी स्टिल नो प्रेगनेंसी तो बोलेंगे कि हाँ वो आपका इनफर्टिलिटी है, है ना? ऐसा नहीं कि हाँ ये चिंटू है और ये छिंटी है और दोनों इम्प्लांट पे हैं और पिल्स में, उसके बाद बोल रहे हैं अरे हमें तो बच्चे नहीं हो रहे. सो दिस इज़ नॉट इनफर्टिलिटी, इस चीज़ को याद रखना. तुम लोग पता नहीं कैसे ये एमसीक्यू में क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है? कि अगर क्योंकि वो तो ऑब्वियस सा रीज़न है, यू आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड, तो हाउ विल एनी वन गेट प्रेगनेंट? सो इफ इट इज़ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एंड स्टिल नो प्रेगनेंसी ओनली, देन इट इज़ इनफर्टिलिटी. इसके रीज़न क्या होते हैं? इसके बहुत सारे रीज़न है जो कि हमने लिखवाना नहीं है, अभी तुम्हारी एनसीईआरटी में हम डायरेक्ट अंडरलाइन करा देंगे. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कभी मेल में प्रॉब्लम, कभी फीमेल में प्रॉब्लम, कभी एक्चुअल में उनकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो कभी माइंड का स्ट्रेस ज़्यादा या ढंग से खाना नहीं खा रही, या तो जो आपकी लेडी है दारू ज़्यादा पी रही है या तो सुट्टा ज़्यादा मार रही है, ठीक है? सो बेसिकली अल्कोहलिक कंजम्पशन अगर ज़्यादा है, या फिर आपका सिगरेट वगैरह कंजम्पशन ज़्यादा है, या फिर आपकी फिजियोलॉजिकली मेंटली वो फिट नहीं है, या फिर आपकी फैमिली सिस्टर्स ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा, एक्सरसाइज कम है, खाने को नहीं मिल रहा है, या ज़्यादा खा रही हो, ओबेसिटी है. सो इट टन्स ऑफ रीज़न आर देयर ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है? बेवड़ी नहीं है यार, तुम लोग कैसे हो सस्ते नशे भाई, महंगे नशे करने से प्रॉब्लम आती है. इट्स नॉट कि तुम जो है 20,000 वाली वाइन दारू पियोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और 20 रुपए वाली पियोगे तो नहीं आएगी. इट्स नॉट दैट, ठीक है? ओवर एक्सेस यूज में प्रॉब्लम होगा, ये पार्ट टू ही तो है. दिस इज नॉट पार्ट टू ओनली. ओके, टाइटल गलत है. अच्छा, थंबनेल में पार्ट टू है और डिस्क्रिप्शन पार्ट थ्री है. देखो मैंने टू पार्ट्स में खत्म किया है, देर इज नो पार्ट थ्री. आई मेक श्योर इट्स चेंजिंग, ठीक है? और सेशन लाइक कर दो. ओके, सो हम क्या बता रहे थे? रीज़न की हम बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि मेथड्स क्या हैं, ठीक है? तो देखो, एक तो मेथड आपके हैं क्या क्या, तो इसकी वजह से हमारी क्या है, हम लोग की साइंस आपको पता है इतनी इवॉल्व हो चुकी है, तो उसमें आ जाती है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. मैंने क्या बोला? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी. मैम सस्ते नशे मतलब, बड़ा सस्ते नशे मतलब सिगरेट नहीं बीड़ी, ठीक है?
तुम लोग सब सीख लो मेरे से, ठीक है। सो एआरटी में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो फर्स्ट मेथड तुम्हारा आता है वो आपका आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर इसी को बोलते हैं आपका एम्ब्रायो ट्रांसफर, बोले तो ईटी, या इसी को बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब या आउटसाइड बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं आउटसाइड बॉडी, कहाँ पे, आसमान में तो नहीं, मतलब बेसिकली इसका मतलब है लैब में, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या, किसको किसको मन में ये लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसका मतलब एक टाइम हम लोग टेस्ट ट्यूब भी लेते हैं, उसमें स्पर्म डालते हैं, उसमें ओवर डालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद 9 महीने बाद यहाँ से एक बेबी ऐसे टेस्ट ट्यूब तोड़ कैसे निकलता है, किसके किसके माइंड में कॉन्सेप्ट है, नहीं होगा, प्लस वाले यहाँ पे तो नहीं होगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें स्पर्म लिया जाता है, ओवा लिया जाता है, ठीक है, स्पर्म है ये, मेल बॉडी से ओवा है, स्पर्म और ओवा को लैब में एक पेट्री डिश ली जाती है, उसमें इनको फ्यूज करा दिया जाता है, जायगोट बना दिया जाता है। आपको पता है जायगोट डिप्लॉयड बनेगा, ये आपका एन है, ये आपका एन है, उसके बाद क्या किया जाता है, इस जायगोट को डेवलपमेंट होने छोड़ दिया जाता है। अब इसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक आ जाता है, इसमें दो मेथड आ जाता है। नहीं बेटा मैंने नहीं किया यार, ठीक है, एक हमारा आ जाता है इसमें जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट, एक आ जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। मैंने क्या लिखा, जायगोट, अभी हम पढ़ाई बढ़ाएंगे नहीं तो वो मस्ती करोगे, तो मैंने रीड कर देना बस, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे तुम लोग भी गलत कर रहे हो जो बहुत कूद रहे हो, उस दिन मैंने 40 क्वेश्चन वाली फाइल में तुम लोग गलत किए थे, इसलिए ध्यान से सुनो, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। देखो नाम से क्लियर है, क्या नाम से क्लियर है कि इसमें हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इसमें हम जायगोट को ट्रांसफर करेंगे विद इन फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये कब होता है, अगर मान लो जायगोट है, या फिर ये अप टू कितना सेल, एनीवन हैविंग एनी आइडिया कितने सेल, मतलब आपको मैंने बताया था कि जायगोट को क्या होता है, कितने सेल तक, हाउ कैन यू नॉट मेमोराइज दिस, क्या डाउट है चेल्सी, बताओ बेटा क्या डाउट है। हाँ, अगर अप टू 8 सेल, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि जायगोट को उठा के डाल दो, मतलब मैक्सिमम अप टू 8 सेल, अप टू 8 सेल में मतलब कि 2 सेल हो, 4 सेल हो, कोई भी हो, अप टू 8 सेल अगर आपका जायगोट डेवलप हुआ है तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि और अगर हमारा मोर देन आपका ये है, अब हम रेडी करते हैं, हटाओ यार बहुत बदमाश हो तुम लोग, चलो लिखाई देते हैं, ये वाला पूरा ही कर देते हैं, अप टू 8 सेल अगर हुआ तो उसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, मोर देन 8 सेल यूट्रस में, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 8 सेल के पहले यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देंगे तो आपका इम्प्लांट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 8 सेल के पहले वाली स्टेज में तो आपका जोना पहले सुडा हटा भी नहीं रहता, तो इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा नहीं, तो इस वजह से हमें क्या होता है, हमें फेलोपियन ट्यूब में छोड़ना पड़ता है, जब वहाँ पे छोड़ देते हैं तो आगे करके वो ग्रोथ भी होता रहता है और फेलोपियन ट्यूब से पुश होता रहता है। देखो अल्टीमेटली ये भी यूट्रस में आएगा, इस चीज को याद रखो, इम्प्लांटेशन हमेशा यूट्रस में होगा, बस यहाँ पे हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद में खुद बखुद वो आपका डिवाइड होते होते 16 सेल 36 सेल आते आते आपका यूट्रस में आके इम्प्लांट होते हैं, यहाँ पे हम उसी पे छोड़ते ही हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई उतना स्टेज यहाँ पे डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखो, ये हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड इज़ वेरी इजी, जिफ्ट, ठीक है। देखो एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, ये क्या है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये बहुत सिंपल है, ठीक है,
इसमें क्या है कि अगर ये कब होता है, जब किसी फीमेल, कोई जो फीमेल है वो ओवा नहीं बना पा रही है, ठीक है, लेकिन उसके पास प्रॉपर एम्बियंस पूरा है प्रेगनेंसी के लिए, मतलब वो 9 मंथ तक बेबी को डेवलप कर सकती है, तो हम लोग करते क्या है, किसी भी डोनर से ओवा को लेके और उस फीमेल बॉडी में उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बाकी इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, टोटली नॉर्मल होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन विद इन बॉडी होता है, क्योंकि हमने क्या किया, विद इन बॉडी बोले तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि हमने सिर्फ ओवा दिया है, बाकी की प्रोसेस एकदम सेम है, उसका हस्बैंड या जो भी है उसका पार्टनर है वो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से इंटरकोर्स करेगा, स्पर्म उसकी बॉडी में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे है क्या, लेट्स से दिस इज द फीमेल, ये कोई फीमेल है ना, जिसको है कि हाँ ये मदर बनने के लिए पूरा एम्बियंस रखती है, लेकिन इसके ओवा में प्रॉब्लम है, तो हमने क्या किया, किसी एक और फीमेल से ओवा लाके हमने इसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, बस इतना हमारा काम है, बाकी क्या होगा, बाकी नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से ये स्पर्म यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, जाके फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे नॉर्मल बॉडी चलती वैसे चली गई, ठीक है। थर्ड प्रोसेस, अगर मेल में प्रॉब्लम आ गई तो, ये मेल में प्रॉब्लम आ गई तो, जैसे कि मेल में क्या होती है, कभी कभी उनकी ओलिगोस्पर्मी होती है, स्पर्म का नंबर कम होता है, तो हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, इसमें कुछ खास नहीं है कि सिर्फ क्या किया जाता है, स्पर्म को उठा के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर भी इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि स्पर्म को हमने नॉर्मल प्रोसेस से ना छोड़ के इंजेक्शंस के थ्रू आर्टिफिशियली हमने डाल दिया है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मेल का जो पेनिस होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, कभी कभी स्पर्म का नंबर कम है, वो हो गया। दूसरा आ जाता है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या होता है, जब स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही खराब हो, मतलब कि तुम नॉर्मली रिप्रोडक्टिव में ट्रैक में छोड़े फिर भी स्पर्म खुद से फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा सकता है, ठीक है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है कि इसमें आपका 1-to-1 टारगेट किया जाता है, एक स्पर्म को एक ओवा से टारगेट किया जाता है, ये हो जाता है ICSI। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे पढ़ लेते हैं रीडिंग। देखो NCERT में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्कशन रिप्रोडक्टिव आपका कंप्लीट, अगर इनफर्टिल इंडिया पढ़े, बहुत सारे आपको पता है कपल को प्रॉब्लम होती है इंडिया में, NCERT ध्यान से सुनो, भागो नहीं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस, नहीं तो कभी खुद से पढ़ोगे नहीं, छूट जाएगा, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, सेक्शुअल इंटरकोर्स, सेक्शुअल कोहैबिटेशन, देख रहे हो, ये भी क्या नया नया टर्म सीखने मिल रहा है, एक सेक्स के लिए 4 टर्म तुमने सीखा है, क्वाइटस, सेक्शुअल इंटरकोर्स, सेक्शुअल कोहैबिटेशन, इतने सारे टर्म तुमने सीखे हैं, इंसेमिनेशन भी समटाइम्स यूज इसी बात में हो जाती है। रीज़न आपका क्या है, बहुत सारा है, हमने आपको जैसे पहले ही बात किया था, रीज़न यार बहुत सारे हैं, एक फिजिकल रीज़न हो सकता है, कंजाइंटल बोले तो आपके जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीज़ हो सकता है, नशा ज़्यादा ले रहे, इम्यूनोलॉजिकल उसकी इम्यूनिटी बकवास है, या फिर साइकोलॉजिकल मेंटली कोई प्रॉब्लम है। इंडिया में फीमेल को ही जनरली ब्लेम किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जनरली आपका मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम मेल में भी उतनी प्रॉब्लम हो सकती है, सो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इनफर्टिलिटी का रीज़न हमेशा फीमेल ही होगी, मेल में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत बार होती है, लेकिन फिर भी ब्लेम फीमेल को ही किया जाता है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर्स हैं आपकी, मैम 2 ईयर्स अनप्रोटेक्टेड को इनफर्टिलिटी बोलते हैं, 1 ईयर्स हर बुक में डिफरेंट दिया, रुको बता रहे हैं, यूनिट इनफर्टिलिटी कुड हेल्प द डायग्नोसिस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, आपको पता है, अगर मान लो कभी भी ट्रीटमेंट के बाद, मतलब अगर ट्रीटमेंट के बाद कपल को फिर भी प्रॉब्लम हो रही, देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाओ फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दैट्स ओके, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर हो रहा है तो आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, उसके टाइम पे क्या कर सकते हैं, इंसान आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी चूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे हम इसको इनफर्टिलिटी नहीं बोलेंगे, भाई तुमने एक बार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, सामने वाली प्रेगनेंट नहीं हुई, हाँ हमको अनफर्टिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपका ओवुलेशन टाइम नहीं मैच कर रहा है, हो सकता है स्पर्म की स्पीड नहीं मैच कर रही, हो सकता है दैट डे आपका ओवा पहले रिलीज हो चुका है, या फिर आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उस वक्त था ही नहीं, न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो सारी जो छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है दैट कैन बी मेंटेन, डॉक्टर को दिखाओ इट कैन बी मेंटेन नेक्स्ट, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है तब उसे इनफर्टिलिटी बोलेंगे। फर्स्ट आपका दिया गया इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बॉडी के बाहर होता है, इसे इट इज़ फॉलोड बाई एम्ब्रायो ट्रांसफर, क्योंकि हम लोग बॉडी के बाहर में इम्प्लांटेशन करा के हम लोग करते क्या, एम्ब्रायो ट्रांसफर ही तो करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको पहले लिखा है, नोट से मैच करो मिल जाएगा। इसमें जो ओवा होता है वाइफ या डोनर से लिया जाता है, स्पर्म को लिया जाता है हस्बैंड या डोनर से, कलेक्टिवली उनको जायगोट बना लिया जाता है सुटेबल कंडीशन में, जायगोट हो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जायगोट या फिर अर्ली एम्ब्रायो अगर 8 सेल तक है तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मोर देन 8 है तो इसको इंट्रायूटराइन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बस
फर्दर डेवलपमेंट के लिए. इम्ब्रायो इन विवो फर्टिलाइजेशन हुआ, इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, कुड बी ट्रांसफर एंड असिस्ट टू दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. देखो ये कौन सी चीज़ हो गई कि कभी कभी क्या होता है कि इम्ब्रायो फॉर्म बाई इन विवो फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट विद इन द फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. देखो एक तो हो गया जाइगोट इंट्राफेलोपियन, ध्यान से सुनो बहुत अच्छी लाइन है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका बाहर ही फर्टिलाइजेशन करके हो. कभी कभी क्या होता है कुछ फीमेल में ओवर ढंग से प्रोड्यूस कर सकती हैं, फर्टिलाइजेशन ढंग से हो सकता है, फिर भी वो 9 मंथ बेबी को ढंग का सिचुएशन नहीं दे सकती हैं. उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं कि जाइगोट को निकाल के किसी और फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे सैरोगेसी बोला, सैरोगेट मदर बोला जाता है, कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपका फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद बेबी में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है. तो इस चीज़ को याद रखना, IUT एंड ZIFT डज नॉट मीन ऑलवेज इट विल बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सेकेंड आपका क्या आ गया है कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये कब होता है, जब अगर कोई फीमेल आपकी ओवा नहीं बना पा रही है लेकिन प्रॉपर एम्बियंस प्रोवाइड कर पा रही है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक अदर मेथड है अगर बेबी को इस वहाँ पर बनाने का, ये भी इन विट्रो है, ठीक है, वहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं है, ये भी लैब में बनता है. इसमें डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ओवम में. इनफर्टिलिटी इसमें ये क्या बोला गया, ये तब होता है जब अगर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो, है ना, कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या फिर कभी कभी इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है, इजाकुलेशन नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉलो किया जाता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको बोला गया है कि ये जनरली क्या होता है कि आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में, ठीक है, या फिर यूट्रस में. इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी होता है वेजाइना में. आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो वेजाइना में छोड़ दो, एक डायरेक्ट यूट्रस में डाल दो, ठीक है. तो दोनों ही एक तरीके का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है. IUI इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नथिंग एल्स, ठीक है. यही आपको बोला कि बहुत सारे मेथड, बहुत सारे टेक्निक हैं आपके, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको खर्चे बहुत ज़्यादा, बहुत महंगा होता है, नॉर्मल लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और कुछ ही कंट्रीज़ में अवेलेबल है. इसके बेनिफिट्स है कि अफोर्डेबल बहुत कम लोग को है. इमोशनल कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, भाई हम किसी और का खानदान नहीं चलाएंगे, ओवा किसी और का है, वो तो किसी और का बच्चा हो गया, स्पर्म किसी और की बॉडी में जा रहा है, वो तो किसी और के बदन में डेवलप हो रहा है. तो इसमें सोशल फैक्टर इतना है. और उसके साथ साथ लेकिन एक अच्छा मेथड एक और है कि भाई अडॉप्ट कर लो, लेकिन उसमें भी सोशल स्टिग्मा है कि नहीं किसी और के बच्चों को कैसे ले आए, जिसकी जात नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता. बट एक्चुअली आपका क्या है कि इतने पैसे खर्चे करने से और इतने सारे करने से बहुत सारे फैमिली बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं. अडॉप्टेशंस पे हमें फोकस करना चाहिए. और बस वी हैव सो मैनी ऑर्फन पड़े हैं, आपको पता है, डिस्प्यूट चाइल्ड हैं जिनका कोई पेरेंट बच्चे नहीं है. तो मैच्योरिटी उसी में है कि आप उनको लो और लीगल तरीके से लो, ऐसे नहीं कि कहीं से उठवा लो कि हाँ हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, वहाँ से हम चुरा ले रहे हैं. सो दैट इज़ ऑफकोर्स वही लाइन यहाँ पे बोली गई कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो इतना मेथड क्यों करना, ठीक है, इतने महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. किसी को जो जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को सरोगेसी बता रहे, जिन बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत है, आप वहाँ पर जाके उनको अडॉप्ट कर सकते. सैरोगेसी क्या है? सैरोगेसी ये होती है कि बेटा, सैरोगेसी इज बेसिकली रेंटल वूम. बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, अपनी वूम को रेंट पे देती हैं. रेंट पे देने का मतलब आप उनको पैसा दो, 9 मंथ के लिए वो अपनी बॉडी में बेबी को डेवलप करेंगी, ठीक है. जैसे जो आजकल के ये लोग कर रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस वगैरह कर रहे हैं, वो लोग करते क्या, वो लोग उनका फिजिकल, उनका मतलब प्रॉब्लम नहीं भी होती तो भी वो अपना बॉडी नहीं ख़राब करना चाहते हैं, अपना फिगर नहीं ख़राब करना चाहते हैं, या फिर वो 9 मंथ तक वो प्रॉब्लम नहीं लेना चाहते हैं, प्रेगनेंसी का पेन नहीं सहना चाहते हैं. तो वो क्या करते हैं कि नॉर्मली जायगोट को अपनी बॉडी से निकलवा के और फिर दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो वो सैरोगेसी होती है. हाँ, मेरी क्लास डेली डेली लगा के डेफिनेटली डॉक्टर बन सकते हो, डॉक्टर का एंट्रेंस क्लियर कर लोगे, हो जाएगा काम, ठीक है. तो चलो हो गया और चैप्टर खल्लास, दी एंड. हाँ, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, यू विल सी लाइक मैनी मैनी, शिल्पा शेट्टी, कितने सारे तुम्हें मिलेंगे. अच्छा, सो अभी देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग बताया नहीं तभी बता देते हैं. जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, दिस इज़ मी, और टेलीग्राम चैनल के लिंक यहाँ पे दी है, ज्वाइन कर लो, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन बिकॉज वी आर डूइंग सो मैनी क्विजेज. एंड अनअकैडमी पे जेनेटिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है, सो डू नॉट मिस दैट एंड इट्स गोइंग अमेजिंग. सो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं, सो यूज़ दिस कोड एंड ज्वाइन अस ओवर देयर. आपके पास कॉम्बो ऑप्शन है ही है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने शायद कुछ और ले आई है, तो कोई चीज़ दिखाते हैं आपको. हाँ, यहाँ पे क्या है, अच्छा ये जो तुम देख रहे हो ना, यहीं पे देखो, ये तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी स्पेशल क्लास की लिंक. नहीं मिल रही है,
मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल रही है, हाँ ये देखो निकिता शुक्ला, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे मेरा पेज ओपन हो जाएगा, यू कैन चेक स्पेशल क्लासेस फ्रॉम देयर। और यहाँ पे देखो फ्री क्लासेस, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाली क्विज लिया है आज, वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये फ्री क्लासेस होती है, फ्री क्विजेज होती हैं, बहुत अच्छी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। बाकी ये हमारा कोर्स चल रहा है, कौन सा कोर्स हमारा चल रहा है, ये वाला कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट क्लास हमारी 11th को है, दैट इज टुमारो, क्योंकि आज संडे है तो संडे को हमारी प्लस क्लास नहीं है। बाकी मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चल रही हैं, नॉट फ्राइडे, वी आर टेकिंग लाइक 6 डेज क्लासेस फॉर जेनेटिक्स बैक टू बैक, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो और क्लास करो, ठीक है, चैप्टर 5 अच्छे से कंप्लीट करो। बहुत धमाकेदार क्लास हो रही है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो इसमें आओ। और बाकी पिछले जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जाके देखो, नोट्स तुम्हें मिल ही रही है, एनोटेशंस तुम डाउनलोड कर ही सकते हो, सो विल गेट एवरीथिंग। ओके, सो सी ओवर देयर, बाय बाय। एंड मुझे हैट खूब सारे डेडिकेट करो, आई एम लविंग दीज हैट डेडिकेशंस, आई जस्ट रीड देम। सो बताओ किसका क्या डाउट है अभी बेटा, केमिस्ट्री क्लास की टाइमिंग अभी देख के बताते हैं, वो बैच का जो मैंने आपको पेज दिखाया उसी में है। चैप्टर 5 बेटा YT पे स्टार्ट अभी तो ऐसा सोचा नहीं है, सोच के बताते हैं, इट्स नॉट डिसाइडेड येट बिकॉज अच्छा ये देखो कितना अच्छा, आई लिटरली हैव नो वर्ड्स, आई जस्ट लव दिस, माई गॉड। और कभी कभी बहुत सिंपल सा नमस्कार मैम, अच्छा ये देखो ये आयुष की डेडिकेशन है, मैम डेली आया करो आपकी वॉइस सुन के, अच्छा अच्छा थैंक यू, आयुष का है, नमस्कार मैम, थैंक यू मैम, आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो, वो जानने की ज़रूरत नहीं, सब पढ़ते रहो। और ये पता है, आई वॉज रीडिंग दिस हेड डेडिकेशन इन बिटवीन अ मीटिंग, तो मेरे को हंसी आ गई, लिखा क्या है, आपकी और आपकी स्टोरी आई हाय सुपर मैम, चलो ठीक है इतना अच्छा है, निकिता मैम ओकी, बाकी सब टोपी, एंड आई लव्ड इन बिटवीन अ मीटिंग, ठीक है, बिकॉज थोड़ी बोरिंग चल रही थी, तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है हम हेड डेडिकेशन ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसी ऐसे तुम लोग की डेडिकेशंस रहती है कि अमेजिंग ही है, अर्पिता, और बहुत अच्छी अच्छी, देखो खुशी का बहुत सिंपल सा मैसेज है, बट आई लव्ड इट, थैंक यू, आई डोंट नो व्हाट टू राइट नेक्स्ट, सो जस्ट से थैंक यू। सो जस्ट इतनी प्यारी प्यारी जो डेडिकेशंस हैं, एंड पता है एक चीज़ बड़ी कॉन्स्टेंट है मेरे उसमें, मैंने डेडिकेशन में देखी, इट्स अबाउट स्टोरीज, है ना, एवरी वन इज़ लविंग माई स्टोरीज मोर देन मी, एंड आई डोंट लाइक दिस, बट एक्चुअली आई एम लविंग दिस। तो अच्छा है, हेड डेडिकेशंस करते रहो जिसके पास है, ये देखो मैम आपकी स्टोरीज पढ़ते हुए बायोलॉजी ईजी लगता है, बस ईजी लगने लगे और क्या चाहिए, आई थिंक दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपकी वजह से बायो में कोई डाउट, अच्छा डाउट नहीं रहता है, अच्छा ये भी मैंने पढ़ा था, ओके सो चलो मिलते हैं, ऐसे ही मेरे को हेड डेडिकेट करते रहो, जिसके जिसके पास है सारे के सारे डेडिकेट करो, और मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू। क्या हुआ चेल्सी बताओ, कौन सा दिल तोड़ दिया मैंने, बताइए क्या हुआ है, आज मुझे रेड हेड दोगे, हाँ दो, ब्राउन हेड देखे, हाँ अशफाक अंजुमन, ये भी मैंने देखा है, टिप्स रिमेंबर, थैंक यू अंजुमन, गुनगुन मैंने देखा था, एक्सेलेंट टीचर यू नो योर सोल, कितना प्यारा पड़ा, तुम लोग लाइन लिखते हो, आई जस्ट इसकी लाइन बड़ी अच्छी है मैम, ऊपर की लाइन कॉपी पेस्ट है बट फीलिंग ओरिजिनल है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट एनीथिंग, कि लाइन भी तुम्हें मिल रही है और सामने वालों को कॉपी लग भी नहीं रहा है। चेल्सी बताओ क्या बात है, तुम बता भी नहीं रहो, हाँ हम सबको जानते हैं, ठीक है, सो बस ये चीज़ें हैं, अनमोल एंड सायरा, सो सी यू ओवर देयर, चलो ठीक है मिलते हैं, बाय बाय। 9 डेज वाइट हेड कहाँ चली गई हमारी, वाइट हेड लोग आजकल डेडिकेट, अच्छा नहीं ये वाइट हेड इसने किया है, वाह कुछ भी चलो ठीक है, बाय, सी यू। अरे ये क्या है, ये क्या है, अभी स्ट्रीमिंग ऑफ हुई।